नमस्कार दोस्तों, इन फोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन हम लोगों के लिए बेहद ही अहम होने वाला है, क्योंकि आज फाइनली वो दिन आ गया है जब हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुप्रतीक्षित फ्री इनिशिएटिव। क्या है हमारा वो फ्री इनिशिएटिव जिसकी आज अनाउंसमेंट होने जा रही है, उसकी लॉन्चिंग होने जा रही है, उसको भी हम लोग आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस स्लाइड में एक गलती है, और वो गलती है यहाँ फ्री के ऊपर स्टार लगा होना। अक्सर देखा जाता है कि जो चीजें फ्री में दी जाती हैं उस पर कुछ ऐसा स्टार लगाकर टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दी जाती हैं, पर हमारे साथ यहाँ पर ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है। यानी जो भी चीज आप लोगों को दी जा रही हो पूर्णतः कंप्लीटली फ्री है। और एक बात और बता दूं कि ये हमारे लगभग 2-3 महीने की प्लानिंग का हिस्सा है, जिसमें हम लोगों के पास वैसे रिसोर्सेज ढूंढना, लोगों को ढूंढना जो इस प्रोग्राम को संचालित कर सके, ये सभी चीजें उसमें शामिल हैं। पर हमारे एक सपने की तरह था कि हमें इस प्रोग्राम को शुरू करना है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिल सके। और इस फ्री का केवल वही मतलब है कि हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा सोच रहे हैं, इसी वजह से इस प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है वो प्रोग्राम। तो वो प्रोग्राम है दरअसल डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। जी हाँ, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जो कि आपके यूपीपीसीएस मेंस की परीक्षा से, तो साथ ही बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी मेंस की परीक्षा से संबंधित तो डायरेक्टली है, लेकिन इनडायरेक्टली ये रिलेटेड होगा अन्य सभी राज्यों की भी ऐसी परीक्षा से जहां पर सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये पूर्णतः उन लोगों के निर्देशन में होगा जो कि ऑलरेडी कोई ग्रुप 1 की जॉब में सिलेक्टेड है, यूपीएससी से सिलेक्टेड है, तो कोई पीसीएस है, ऐसे लोगों के निर्देशन में ये चीजें होंगी। वो ही लोग आपकी कॉपी चेक करेंगे, और चूंकि वो लोग केवल एक अपने विलिंगली तौर पर शामिल हो रहे हैं, कोई फीस नहीं ले रहे हैं, यही कारण है कि हम लोग भी इसको हमारे लिए फिनेंशियली वायबल हो सका है कि हम लोग इस प्रोग्राम को कंप्लीटली फ्री कर सकें। क्या होगा ये प्रोग्राम, किस तरीके से ये संचालित होगा, उसकी कुछ हम लोगों को डिटेल्स देखना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इस प्रोग्राम की वास्तव में आवश्यकता क्या है। तो इसकी अगर आवश्यकता की बात करें तो आपको पता है कि अंतिम चयन में अगर हम लोग बात करें यूपीपीसीएस की या फिर बात करें बीईओ परीक्षा की, तो इन दोनों ही परीक्षाओं में अंतिम चयन में निर्णायक महत्व निभाता है आंसर राइटिंग का प्रोग्राम। यानी कि जिसके लिए लोग दिल्ली जाकर या इलाहाबाद जाकर बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस देते हैं, उसको अब हम लोग यहां पर निःशुल्क तौर पर लागू करने जा रहे हैं। और जिसमें यहां पर आप देखेंगे कि जो कोई भी परीक्षा, मान लीजिए आप यूपीपीसीएस लीजिए, तो पीसीएस की परीक्षा में यदि आप देखते हैं तो लगभग 1500 नंबर का आपका मेंस का पेपर होता है, और उसके साथ में 100 नंबर होते हैं वो इंटरव्यू के लिए होते हैं। तो 1500 मेंस होता है जो कि पूरा राइटिंग में होता है, रिटर्न होता है, और 100 नंबर इंटरव्यू। इसके हिसाब से यदि आप देखें, अंतिम जो आपका सिलेक्शन होता है जिस आधार पर होता है उसमें 15:1 का रेशियो है। 15 आपका डायरेक्टली रिलेटेड है मेंस की आंसर राइटिंग से, यानी उसमें आपको पेपर को लिखना है। उसके बाद यदि बात करें तो एक बहुत ही बड़ा पाठ्यक्रम है। अगर इसी के अलावा हम लोग बीईओ की बात करें तो बीईओ में तो पूरा का पूरा दारोमदार ही टिका हुआ है मेंस की परीक्षा पे। उसके अलावा यदि हम लोग बात करें विस्तृत पाठ्यक्रम, तो यानी कि यहां पर दरअसल इतना वास्ट सिलेबस है जिसको कि कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसको, उसकी समग्र तैयारी के लिए हम लोग जो ये प्रोग्राम लेकर आए हैं वो वास्तव में सिलेबस को माइक्रो लेवल पर तोड़कर उसको हम लोग प्रति माह आपको शेड्यूल दिया जाएगा, उसके हिसाब से आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी होगी। उस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में प्रतिदिन 2 प्रश्नों का अभ्यास इनिशियली कराया जाएगा, शुरुआत 2 प्रश्नों के अभ्यास से कराई जाएगी, उसके बाद क्रमशः इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी, उसके बाद पूरे का पूरा पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा। ये एक हम लोग इनिशिएटिव लेकर आए हैं जिसका आपके प्रश्नों का मूल्यांकन भी होगा। खास बात यह है कि यहां पर मूल्यांकन भी होगा। आमतौर पर आप देखते हैं तो प्रतिदिन जो अभ्यास कराया जाता है वो कई सारे प्लेटफॉर्म्स अपने अपने चैनल पर कराते हैं, परंतु मूल्यांकन हर बच्चे का फ्री में करना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है।
और वो भी स्तरीय लेवल का करना, मतलब काफी स्तरीय तरीके से मूल्यांकन करना, ये अपने आप में एक यूनिक प्रोग्राम है, यूनिक चीज है जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये टाइम मैनेजमेंट में भी सहायक होता है, जो हमारा मेन्स आंसर राइटिंग का प्रोग्राम होता है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें जो नंबर ऑफ वर्ड्स हम लोगों को एग्जाम में लिखने रहते हैं उसकी, तो यहां पर केवल यूपीपीसीएस की बात कर लें तो 250 शब्द का 10 प्रश्न लिखने रहते हैं, 150 शब्द के 10 प्रश्न लिखने रहते हैं, यानी यदि टोटल किया जाए तो 3250 शब्दों की तो पेपर के हिसाब से डिमांड रहती है। और हर शब्द आप उतने में ही हर प्रश्न का उत्तर नहीं लिख देंगे जितने की डिमांड है, यानी करीब करीब 3500 शब्दों को तो आपको लिखना ही है अपने एग्जाम में। इन 3500 शब्दों को जो आप लिखेंगे उसके अलावा आपको प्रश्न को पढ़ना है, समझना है, उसका उत्तर सोचना है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है, तब जाके आप सक्षम हो पाएंगे कि आप इसके आंसर्स को लिखें। इन सभी बातों के लिए जरूरी है कि अगर आप मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं किए तो निश्चित तौर पर यह बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप लोग इस परीक्षा में अंतिम रूप से चयन ले सकें। हो सकता है कि इसके बिना आप प्री पास कर लें, मेंस पास करना, इंटरव्यू पास करना, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका आंसर राइटिंग प्रोग्राम यदि आप लोग डेली बेसिस पर करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपके सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। उसके अतिरिक्त जो हमारा यहां पर यह पाठ्यक्रम होगा वो पूरा माइक्रो लेवल पर सिलेबस को तोड़ करके डेली बेसिस पर आप लोगों को टारगेट दिया जाएगा, प्रश्न दिया जाएगा और उसका आपको संदर्भ बिंदु के साथ में उसका उत्तर मिलेगा, यानी रेफरेंस पॉइंट्स के हिसाब से। मान लीजिए कोई एक टॉपिक दिया गया, उससे रिलेटेड कई सारे पॉइंट्स दे दिए जाएंगे जो कि हो सकता है कि 150 या 250 शब्दों से ज्यादा हो, परंतु उसके साथ में आपको मॉडल आंसर भी दिया जाएगा जो एग्जैक्टली उसी वर्ड के भीतर ही होगा या फिर उसी वर्ड्स के लगभग होगा जो आपको एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन करना है अपने आंसर शीट पे, उसी प्रकार का एक मॉडल आंसर दिया जाएगा और यह भी उन्हीं लोगों द्वारा लिखा जाएगा जो कि वास्तव में इस एग्जाम में चयनित हो चुके हैं। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आपको पता है कि आपको केवल ये 3500 शब्द लिखना ही नहीं है बल्कि औरों से बेहतर लिखना है, और वो और में वो भी लोग शामिल है जो कि दिल्ली और प्रयागराज या फिर अदर सिटीज में जा करके बड़ी महंगी फीस दे करके ये काम कर रहे हैं। उनको कॉम्पीट करने के लिए, उनसे कॉम्पिटिशन लाने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप लोग भी अपनी निरंतर अभ्यास करते हुए कुछ जो अनोखी जो ऐसी चीजें हैं जो आपके आंसर्स को वैल्यूएबल बनाती हैं, जैसे फ्लो चार्ट्स का प्रयोग करना, डायग्राम्स का प्रयोग करना, मैप्स का प्रयोग करना, इन सभी को हम लोग आपके साथ में साझा करेंगे, इसको सिखाएंगे और उसके माध्यम से कुछ चीजें जैसे होती हैं टेल वर्ड्स, जिनको हम लोग बोलते हैं कि समीक्षा करना, चर्चा करना या फिर आलोचनात्मक समीक्षा करना, इन सभी का क्या मतलब है, किस प्रकार से हम लोग इसको प्रयोग करते हैं, ये सभी चीजें भी हम लोग अपने इस पूरे प्रोग्राम में सीखेंगे। समय समय पर ऐसे कई सारे वीडियोस के माध्यम से ये सभी चीजें आप लोगों को सिखाई जाएंगी। और उसके बाद कोई भी विषय, कोई भी प्रश्न है, उसकी भूमिका लिखना, निष्कर्ष लिखना, या फिर मेन बॉडी है तो उसमें किस प्रकार से हम लोग भटकाव से बचें, उत्तर का सही उत्तर जो होना चाहिए वही उत्तर हम लोग लिखें, ये समझने के लिए जरूरी है कि आप लोग परीक्षा के दिन जाकर उत्तर लिखने से पहले कई सारे ऐसे पूर्वाभ्यास कर लें जिसके माध्यम से आप लोग परीक्षा के दिन अपने उत्तर को बेहतरीन की श्रेणी में ला सकें। तो इस कंप्लीट विजन के थ्रू हम लोग अपना ये प्रोग्राम लाए हैं जो कि कंप्लीटली फ्री है, पहले भी आपको बता दिया गया है। किस प्रकार से आपको ज्वाइन होना है, किस प्रकार से शामिल होना है, उसकी यदि बात करें तो प्रोसीजर ये है कि आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर फोकस सिविल एकेडमी नाम से उपलब्ध है। वहां पर आप जा करके उसमें जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको चैट ऑप्शन मिलेगा, उस चैट ऑप्शन में जाकर आप लोगों को लिखना है राइट लिखना है, मतलब आप लोगों को जो लिखना है वो लिखना है मावी MAWI, जो कि मावी ये वाला है मेन्स आंसर राइटिंग इनिशिएटिव, मेन्स आंसर राइटिंग इनिशिएटिव या मावी लिखकर आप लोग जैसे ही ये लिखेंगे वहां पे उसके थोड़ी ही देर में, हो सकता है कि 10-15 मिनट या फिर हो सकता है कि ये मतलब मैक्सिमम जो आपको टाइम रहेगा वो 6 से 7 घंटे में आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहां पर ये सारी चीजें कंडक्ट कराई जाएंगी।
उसके आगे की जो भी प्रक्रिया होगी, सारी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। उसके लिए हम लोग मतलब आप जैसे ही ग्रुप को ज्वाइन करेंगे वहां पर सारी चीजें डिटेल में बता दी जाएंगी। जो आपका मीडियम होगा वो कंटेंट आपको जो भी दिया जाएगा वो हिंदी में दिया जाएगा, किंतु जो इवेल्युएशन होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों का हो सकेगा। यानी यदि आप इंग्लिश में भी लिखते हैं तो भी आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, उत्तरों को भेज सकते हैं, उनका भी इवेल्युएशन हो जाएगा। उसके अलावा अगर देखें तो कुछ और भी डिटेल्स हैं जिसमें कि फ्रेशर्स और वेटरन्स दोनों के लिए ये उपयोगी है, क्योंकि हम लोग जो प्रश्नों का स्तर लेकर चलेंगे वो शुरुआत में काफी सरल से प्रश्न और धीरे धीरे हम लोग कठिन की ओर बढ़ेंगे, जिसमें न केवल हमारे PYQs होंगे यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, उसके साथ साथ में हम लोग देखेंगे जो सैंपल क्वेश्चंस होते हैं उनको भी, तो कई सारे सैंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और इससे आपका जब आप इतने सारे प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए एग्जाम को पास करना काफी आसान हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हमारा इनिशिएटिव शुरू हो रहा है 1 अगस्त से ये प्रक्रिया नियमित तौर पर हमारे ऐप पर ही शुरू हो जाएगी, जिसमें 6 डेज ये प्रक्रिया चलेगी। एक वन डे जो संडे है उस दिन हम लोगों की छुट्टी रहेगी। उसके अलावा हमारी जो 5 लोगों की टीम है वो पूरी इसी में संलग्न रहेगी, इसी कार्य के लिए वो डेडिकेटेड है। और आप देखेंगे जब आप उत्तरों को समझेंगे, आपने अभी तक हमारे निबंध देखे हैं, लगभग हम लोगों ने 10 महीने हो गए हम लोगों को निबंध चेक करते हुए, और उसके साथ में आप लोगों ने हमारे निबंध के कंटेंट को देखा है, हजारों हजार की संख्या में लोगों ने हमारे आर ओ आर ओ के जो कोर्सेज हैं उनको प्यार दिया है। इसी कारण से हम लोग कुछ सक्षम हो सके हैं कि हम लोग भी कुछ ऐसे लोगों को जोड़ लें जो कि हमारे साथ में इस प्रोग्राम में हेल्प कर सकें। और इससे हमारा जो एक विजन है कि वास्तव में जो आपका रिजल्ट देने की प्रक्रिया है वो हम लोग को हासिल हो सकेगी, तो हमारे ये फ्री इनिशिएटिव अपने आप में सार्थक सिद्ध हो सकेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस प्रोग्राम से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।